20 जुलाई 1969 नासा का एक अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर उतरता है। उसके अंदर दो वैज्ञानिक बैठे हुए थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उस अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर कदम रखते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में भी उनके रियल कदमों की छाप चांद पर देख सकते हैं। आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर कदम रखा था। वैसे तो इस मिशन के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे, लेकिन तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे थे। उस समय चांद पर मानव मिशन की बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी। सबूत के तौर पर उन्होंने चांद की जमीन पर कई सारी तस्वीरें ली थी। आज अगर इस बात को देखा जाए तो 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। साल 1972 में अंतिम बार नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा था। इन्हें मिशनों को इंसान इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते कि चांद पर कोई इंसान गया था। उनका मानना है कि अपोलो मिशन फेक था। क्या अमेरिका ने कोई इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं था? क्या अमेरिका ने उस समय रूस से ऊंचा दिखने के लिए प्रोपेगेंडा दिखाया था, या फिर सच में अमेरिका चांद पर गया था? आज की फ्यूचर साइंस की वीडियो में सबूत और तस्वीरों के साथ आपको चांद की जर्नी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन ने 16 जुलाई 1969 को मैरिट आइलैंड में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह के 9:32 पर चंद्रमा पर जाने के लिए रवानगी पकड़ी। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग कमांडर व एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। लॉन्च होने करीब 12 मिनट बाद 3 इंसानों को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में जा पहुंचा। पृथ्वी की एक और आधी परिक्रमा के बाद S-4B तीसरे स्टेज के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के रास्ते पर डाल दिया। इसके 30 मिनट बाद मेन कंट्रोल यान सेंटर 5 रॉकेट के अंतिम चरण में पहुंच गया और चंद्रयान को लेकर चंद्रमा की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन 3 भागों में विभाजित था। पहला कमांड मॉड्यूल है, जहां पर एक केबिन था जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बैठने के लिए जगह थी। दूसरा सर्विस मॉड्यूल है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर, ऑक्सीजन और पानी स्टोर थे। और तीसरा पार्ट था लूनर मॉड्यूल। उसका काम चांद की जमीन पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उतरना था। करीब 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर सी ऑफ ट्रेंगुलिटी की जगह पर उतरता है। जिस लूनर मॉड्यूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 से निकलकर चंद्रमा तक पहुंचे, उसे द ईगल नाम दिया गया। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने लूनर मॉड्यूल से उतरकर चंद्रमा की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। उनके कदमों की छाप आज भी चांद पर मौजूद है। नील आर्मस्ट्रांग के उतरने के 20 मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद की जमीन पर कदम रखा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके थे, लेकिन आर्मस्ट्रांग और एडविन के लिए चंद्रमा तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। सबसे पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट गया था। उसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कई एरर कोड्स आने लगे थे। इतना ही नहीं, द ईगल में ईंधन की कमी भी सामने आई थी, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज ने मिलकर सफलतापूर्वक इन परेशानियों का सामना कर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। वहां अपने रिसर्च का कार्य पूरा करने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी के लिए रवाना हो गए। 20 जुलाई को वो पृथ्वी पर सही सलामत लौट आए। इसके बाद 6 मून मिशन को अंजाम दिया गया, मगर उनमें से सही सलामत 5 मिशन ही चंद्रमा की जमीन पर उतर पाए थे। अपोलो 13 चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाया था। कुछ तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से उसे वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया। चांद पर किसी इंसान को भेजने की इच्छा सबसे पहले सन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जताई थी, जिनका सपना साकार अपोलो मून मिशन से हो गया था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए यह छोटा कदम है, मगर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन दोस्तों, आखिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका सच में किसी इंसान को चांद पर भेज चुका है? यह सारा का सारा प्रोपेगेंडा था? क्या यह सारा प्रोग्राम किसी स्टूडियो में बैठकर शूट किया गया था? अमेरिका के चांद पर उतरने की बात को फेक साबित करने की अफवाह अपोलो 11 के वापस आने के बाद ही शुरू हो गई थी। लेकिन इन अफवाहों को ज्यादा जोर तब मिला जब 1976 में किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वेंट टू मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। ये किताब पत्रकार बिल कैसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अमेरिका के चांद पर जाने के दावे को झूठा साबित करती हैं। अपोलो मून प्रोग्राम को झूठा साबित करने के लिए सबसे पहला सवाल, अगर चंद्रमा पर हवा नहीं है, यानी अमेरिकन फ्लैग लहराता हुआ कैसे दिख रहा है? पृथ्वी पर झंडे का लहराना आम बात है,
क्योंकि यहां पर तो हवा मौजूद होती है। नासा द्वारा जारी इस तस्वीर में फ्लैग लहराता हुआ दिखाई दिया। ये झंडा वायुहीन वातावरण में कैसे लहरा रहा है और इसे झंडे का कपड़ा हिल रहा था। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल तो है ही नहीं। ये सवाल एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मगर दोस्तों, इसके पीछे भी एक राज था। इस झंडे के ऊपर के कपड़े में ऊपर की तरफ एक मोटा तार बांधा गया था, जिस कारण से अमेरिका फ्लैग चांद पर लहरा रहा था और ये लहराता हुआ नजर आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इस झंडे को खास तौर पर डिजाइन किया था, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही पता था कि चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से झंडे को फहराया हुआ नहीं दिखाया जा सकता। और झंडे के कपड़े हिलने की पीछे कारण वैज्ञानिक मानते हैं, चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से झंडे को गाड़ते वक्त उस पर जो बल लगाया गया, जिस कारण झंडे ने मोशन शो किया, एयर रेसिस्टेंस के एब्सेंस के कारण ये मोशन काफी देर तक जारी रहा होगा, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि मानो झंडा हवा से लहरा रहा है। दूसरा सवाल, अपोलो मून प्रोग्राम के दौरान ली गई तस्वीर में बिना तारों के आकाश कैसे नजर आ रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ड्रामा ब्लैक बैकग्राउंड वाले किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। मगर दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी अमेरिकन वैज्ञानिकों के पास है। वैज्ञानिकों की माने तो अपोलो 11 चांद की जिस जगह पर उतरा था वहां पर दिन का समय था, और चांद की जमीन सूरज की रोशनी को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण चांद की जमीन काफी चमकीली दिखती है। इस वजह से चांद की जमीन से तारों को तुरंत देख पाना मुश्किल है। चांद पर फोटो कैप्चर करने के लिए फास्ट एक्सपोजर सेटिंग को काम में लिया गया था। सवाल नंबर 3, पैरों के नकली निशान। चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते जैसे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। धरती पर इस तरह के निशान गीली मिट्टी में ही बन सकते हैं। इस पर नासा के वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद की मिट्टी हमारी पृथ्वी की मिट्टी के समान बिल्कुल भी नहीं है। चांद की मिट्टी ज्वालामुखियों से निकली हुई राख के समान है, जिस पर इस तरह के जूते के निशान बन सकते हैं। सवाल नंबर 4, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बज़ एल्ड्रिन की तस्वीर है। इनके हेलमेट के कांच में आप देखोगे तो आपको ईगल लैंडर के पास खड़े नील आर्मस्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर नील आर्मस्ट्रांग के हाथों में कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा। तो आखिर इस तस्वीर को किसने कैप्चर किया? इस सबूत के आधार पर भी कई लोग मून मिशन लैंडिंग को फेक ठहराते हैं, मगर नासा की माने इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग ने कैप्चर किया था। कैमरा उनके चेस्ट पर माउंटेड था, जिस कारण उनको कैमरा अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मगर आप इसे तस्वीर को ध्यान से देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग का हाथ चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है जो इस टाइम वो फोटो ले रहे थे। दोस्तों, अगर नासा के पास कई ऐसे सबूत हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि मनुष्य ने चंद्रमा की जमीन पर कदम रखा है, जब अंतरिक्ष यात्री चांद की जमीन पर रहकर वापस पृथ्वी पर आए थे, उस टाइम में अंतरिक्ष यात्री काफी सारा सामान यादगार के तौर पर चांद की जमीन पर छोड़कर आ गए थे। इसके साथ ही प्रत्येक अपोलो मिशन के दौरान वहां पर अमेरिका के झंडे को गाड़ा गया था, जो वहां आज भी मौजूद है। जब साल 2009 में नासा का लूनार रिकनसेंस ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा से अपोलो 11 साइट की तस्वीरें भी कैप्चर की, तो इस बात को दिखाती है कि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। तस्वीर के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है, जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहां तक कि चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। LRO ने यह भी दिखाया है कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी गड़े हैं। जांच ने सतह पर उनकी छाया का पता लगाया है। सन 2012 में उसकी तस्वीर जारी की गई है, जिसमें इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 6 अपोलो मिशन लैंडिंग साइट में 5 अपोलो लैंडिंग साइट पर आज भी अमेरिकन फ्लैग मौजूद हैं, लेकिन अपोलो 11 के दौरान लगाया गया झंडा आज नहीं है, क्योंकि वह वापस आते वक्त उड़ान के दौरान रॉकेट से जल गया होगा या फिर नीचे गिर गया होगा। इसके साथ ही हमारे भारत के चंद्रयान 1 ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा पर मिशन लैंडिंग हुई थी। साथ ही कई अंतरिक्ष एजेंसियों के यान ने अपोलो मिशन के चांद पर लैंडिंग की पुष्टि की है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अपोलो 11 मिशन फेक नहीं था। इसके साथ ही इस प्रक्षेपण को 10,00,000 लोगों ने राजमार्गों, प्रक्षेपण स्थल के निकट समुद्री किनारों, इसके अलावा 60 करोड़ लोगों ने इसका टीवी पर लाइव प्रसारण देखा था। उस वक्त अमेरिका फेक मून लैंडिंग का प्रोपेगेंडा करके अपने लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। तो दोस्तों, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपोलो मिशन फेक था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।